हो सकता है कहीं ये शराब से मुक्त होने का हमें कोई उपाय बता देंगे। आओ झोंकी पाया नमिया मानुष का बच्चा है, जल्दी सामने आओ, नहीं तो मैं शराब देख के जला के नहीं 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 बाबा, मैं तो एक मानुष का ही बच्चा हूं जो कि दर बदर की ठोकरें खाते हुए आपके में शरण में आया हूं, क्योंकि मैंने सुना हो कि आप दर बदर की ठोकरे खाने वाले जो आपके शरण में आते हैं, आपके शरणागत में आप उन्हें जरूर आप शरण में लगा लेते हैं। बताओ कि तुम्हारे ऊपर क्या संकट आ गया है, क्या फति आ गया है कि मुझे तपस्या में विघ्न डाल दिया रे बेहुदा? बताओ तुम्हारे ऊपर क्या फति है, विपत्ति है, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं शराब दे दूंगा। बाबा ये कहानी अब मैं आपसे क्या बताऊं? यदि तू नहीं बताता है तो मैं क्रोध में आकर के मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। क्या तुम्हारे ऊपर क्या संकट है बाबा? तो सुनिए बाबा, सात से मृगिनी में एक काला मिर्गा था, जिसे मैंने अपने हाथों से उसे मार डाला। अरे नीच पापी पाखंडी, क्या 700 मृगिनी के तूने विधवा बना दिया? 700 मृगिनी ने हमें श्राप दे दी है, वह श्राप से मुक्त होने के लिए आपके शरण में आया हूं। अच्छा, तू शराब से मुक्त होने के लिए चाहते हो, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए कि एक माँ कोई विधवा हो जाती है तो उसके ऊपर क्या संकट बीतता है, लेकिन तू 700 मृगिनी का विधवा बना दिया, तू तो भारी अपराधी है। लेकिन सबसे पहले तू अपना परिचय बता कि तू कहाँ के रहने वाले हैं, तुम्हारा पिता को क्या नाम है, तुम्हारा माता को क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा बहन को क्या नाम है? बाबा मेरा घर तो जूनागढ़ शहर पड़ता है, मेरे पिताजी का नाम राजा तिलक चंद सिंह है, माता जी के नाम मैनावंती रानी है, बहन के नाम बिरमा है और मेरा नाम गोपी चंद है। बात मैनावती इतनी चतुराई कर दिया है,
अरे तू शादीशुदा भी है? हाँ बाबा, मुझ जैसा अभागा मैंने अपने धर्म पत्नी को गौना कराकर कुछ दिन हुआ है गौना कराकर अपने जूनागढ़ शहर में लाया और उसे छोड़कर चला आया मैं जंगल की धार खेलने। यदि मैं माँ के वचन को नहीं काटता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। अच्छा, मैनावती इतनी चतुराई कर दिया, उसका एक भी संतान नहीं होता था। वो मेरी बहन है, जब मैं उसके दरवाजे पर गया तो फूट फूट के रोने लगा कि भैया ये 14 कोस की राज झूनापुर सोना सोना लगता है, कोई इसका उत्तराधिकारी बनने वाला नहीं है, कोई इतना बड़ा राज में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, मैं तो दयालु महात्मा हूँ, मुझे दया आ गया। मैंने बहन को एक वचन दे दिया, अरे बहन तुम्हें एक संतान अवश्य होगा, लेकिन जब 5 साल की उम्र होगा तो हमारे एक बार कुटिया में अवश्य भेजना। लेकिन मैनावती इतनी चतुराई कर दिया कि इसके माया को जाल में फंसा दिया कि जब मैं माया को जाल में फंसा दूंगा तो भाई को पास नहीं जाएगा, क्योंकि भाई तो जोगी फकीर है, हो ना हो कि मेरा पुत्र को जोगी बना देगा तो फिर मैं अनाथ रहूंगा। अच्छा मैनावती, तुम्हारा चतुराई हमारे सामने काम नहीं करेगा। फंस गया चांद कुकुर का पल्ले, ये बताओ तू शराब से मुक्त होने के लिए चाहता है? बाबा आपने तो मेरे पर्चे आपने पूछ लिए हैं, परंतु आप अपने बारे में नहीं बताए हैं। हमारे बारे में तुम जानने के लिए चाहते हो तो सुनो, जो तुम्हारी माँ मैनावती है ना, वो मेरी बहन है, सगा बहन है। क्या तो आप मेरी तो मामा की समान है? हाँ, मेरे मामा हुए आप, जब मेरी माँ की आप भाई हैं तो आप मेरे मामा हुए। तुम्हारा असर ना लगा मुक्त होने का कोई हमें उपाय बताइए। अरे मेरे पास तो अनेक उपाय है, तुम्हारा मुक्त उसी शर्त पर होगा कि जो मैं कहूंगा उस वचन को पालन करेगा, तब तो मुक्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो हाँ बाबा, आप जो कहिएगा ना मैं आपकी बातों को अवश्य पालन करूंगा। मानेगा ना? हाँ जरूर मानूंगा। तो सुनो, जिस तरीका से मैं जोगी हूँ उसी तरीका से तुम्हें जोग रमाना पड़ेगा। क्या मुझे जोगी बनना पड़ेगा? हाँ, तब तो शराब से मुक्त होगा, तब तो शराब से मुक्त पाएगा, अन्यथा ऐसे नहीं पाएगा। जोगी का भेष बना करके 12 बरस तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा, और जब तू जोगी बन जाएगा तीनों लोग 14 भुवन भ्रमण करेगा, तो सबसे पहले जो तुम्हारी माँ मैनावती है ना, हाँ बाबा, उसको हाथ से भिक्षा लेना होगा। क्या माँ की हाथों से?
और ऐसे भिक्षा नहीं लेना है, उसका भी कोई उपाय है ना। मैना बती, यदि तुम्हें बेटा का को भिक्षा देगा तो भिक्षा ग्रहण नहीं करना है। मैना बती बाबा जोगी बाबा का के भिक्षा देगा तब तो उस भिक्षा को ग्रहण करना, अन्यथा भिक्षा ग्रहण नहीं करना। दूसरी बात, जो तुम्हारी जीवन साथी अध्ययन की मालकिनी धर्म पत्नी है, उस धर्म पत्नी को हाथ से भिक्षा लेना होगा। अपनी पत्नी की हाथ से? हाँ, और वो तुम्हारी पत्नी बेटा कह के भिक्षा देगा तब तुम उस भिक्षा को ग्रहण करना, अन्यथा ऐसे ग्रहण नहीं करना होगा। रह गया तीसरी बात, जो तुम्हारी बहन फिरमा है जो चंपेपुर में रहती है, उसको हाथ से भी भिक्षा लेना होगा, तब तुम्हारा जोग सिद्ध होगा, इस पाप से तू मुक्त पाएगा अन्यथा नहीं पाएगा। क्या बाबा, यदि मैं अपनी माँ और अपनी धर्म पत्नी बाल बिरमा के हाथों से यदि मैं भिक्षा ले लेता हूँ तो क्या मेरा जोग सिद्ध हो जाएगा? हाँ, जोग तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। और जो इसको पाप को भागी है, इस 700 मिर्गिनी के तूने विधवा बनाई है, उससे भी तुम्हारा मुक्त हो जाएगा। क्या मेरा बात का पालन करेगा या नहीं? हाँ बाबा, आपकी बात हमें मंजूर है। तो ठीक है, अभी तो मैं ये रमता जोगी राम क्या है मेरा दुनिया श्रीकाम, अभी तो मैं भ्रमण करने के लिए चला है। चलो तू हमारी कुटिया में, वहाँ जोगी का भेष बनाऊंगा, सरंगी दूंगा, पीला वस्त्र दूंगा, और तब तू इस लोग तीनों लोग में भ्रमण करना होगा। इधर आओ, कुछ न कुछ इसका ऐसा कर देते हैं, होना हो ऐसे रूप में रहेगा तो भाग जाएगा। मैं इसका आधा रूप बना देता हूं, उसके बाद आधा फिर अपने कुटिया में बनाओगे। इधर आ, जोगी बनेगा? हाँ बाबा, शराब से मुक्त पाना है, आओ इधर। आता सबता वचन होगा। सबसे पहले इसका ग्रहण करो, तुम्हारा पति घूर जाएगा अपने आप को। अब तो फंस गया, अब तो मैनावती इंतजार करेगी कि मेरा लाल आएगा, मेरी आंखों की तारा आएगा, बूढ़ी को सहारा आएगा। लेकिन अब ये कहां, 12 बरस तक मैनावती इंतजार करती रहेगी। चलो लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो गोपी चांद, तीनों लोग चौदह घूमन तू भ्रमण करेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाएगा, कोई विपत्ति आ जाएगा, तो उस समय तू हमें एक बार अवश्य याद करना है, मैं तुम्हारे संकट में अवश्य सहारा देगा। बाबा, यदि यदि मेरे पे कोई संकट आएगा, संकट के घड़ी में मैं आपको जरूर याद करूंगा और आप अपने चेला पे सहारा लीजिएगा। अवश्य, जब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लिया हूँ तो तुम्हारा रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है। तू चलो हमारे कुटिया में, ये राजशाही आभूषण उतार के पीला वस्त्र धारण करना पड़ेगा।
कि मैया के बचौलिया हो काटी के आँखे लैले हो सिकरबा हो देलिए। जो किया हो फकीर माँ के हाथ से पांच मुट्ठी भिक्षा नहीं ले लेता हूं, अपनी पत्नी के हाथों से पांच मुट्ठी भिक्षा नहीं लूंगा, तब तक मेरा योग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए
आज ये जोगी चलता है माँ के द्वार मैया से पांच मुट्ठी भिक्षा लेने के लिए। राम राम सुमरन हो करिए आराम जी के नाम भैया राम जी के नाम हो गुरु जी लगई थी ना मेरा पार न हो तो मंत्री पर गायिका हल्ला करे छे गुरु गोबरनाथ की जय हो। जाके देखो बाहर में कौन हल्ला कर रहा है। अरे मलका हल्ला करे छो कहे छे गुरु गोबरनाथ की जय हो। अरे कोई भिक्षु भिखारी आया होगा तो बाहर जाके देखो न कि कौन है। के छे हो अलख निरंजन अलख निरंजन गुरु गोरखनाथ की जय हो जय हो जय हो। बाबा गोबरनाथ की जय हो। अरे के छो हो तू के छो हो। हम जोगी महात्मा हैं। तात्मा छो हो। अरे तात्मा नहीं हम बाबाजी हैं। बाप हो भागो हो बलकाय परवाद भागो हो बम्बाजी ले बम्बाजी। अरे भाग अरे बम्बाजी नहीं तब हम जोगी महात्मा हैं। जोगी फकीर हैं। ओ जोगी फकीर है सुनाओ। हाँ जाके अपनी रानी माँ से कहो जाकर कि द्वार पे एक जोगी फकीर आए हैं उनको अपने हाथ से पांच मुट्ठी भिक्षा दे दे। अच्छा बलका एगो महात्मा जी अलखनु खिना ओ भिक्षा मांगने वाला है। हाँ हाँ मांगे चाहने वाला छो। जा आज तक तो मैं अपने हाथों से किसी को भिक्षा नहीं दी हूँ। नौरी बांदी को बुला करके उसे पांच मुट्ठी चाहे जितना भिक्षा लेगा दे करके भगा दो दूर बाजी से। नरहिक बुला लियो। अरे नौरी बांदी को बुलाओ नरहिक क्यों कहता है बोलने का तमीज नहीं है। अच्छा नौरी कहे। हाँ नौरी को बुला करके ले आओ और नौरी के हाथों से भिक्षा दे। अरे मंत्री हल्ला क्यों कर रहे हो। अगे बोल लियो कखनी अलही अखनी। अरे एक बार तो बात सुनियो मैं चली आई। चलो चलो।